देखिए मैंने कितने पैसे किससे मांगे या पूरे हंदवाड़ा से पूछ सकते हैं, वो आपको एक आदमी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इसने पर्सनल बनाया है। मुझे समझ नहीं आती इसको क्या प्रॉब्लम है। ये पहले भी एक दो बार पर्सनल ग्रीवेंस पर आए हैं, ठीक है ना, वो भी हमने यहाँ से उसका भी जवाब दे दिया, रिजेक्ट कर दी यहाँ से, ठीक है ना, हायर अथॉरिटीज नहीं वहां से रिजेक्ट कर दी वो, ठीक है। अब ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं पैसे लगाने के, तो दुनिया जानती है। मैं अपनी तारीफ खुद क्या करूं, मैं अपने लिए खुद क्या बोलूं कि मैं बड़ा ईमानदार हूं या क्या। यहां पर इतने 5 BDCs हैं, यहां पर BDCs और भी BDCs हैं, कोई भी प्रूव करके साबित करके दिखा दे मैंने किसी से कभी एक पैसा भी मांगा हो, मैं उसी वक्त यहां से जाने को तैयार हूं। सर ये भी लोग जो वहाँ के जो श्रीनगर के ठेकेदार हैं कि वहाँ पे नाकस मटेरियल लगाया है, तो उस सवाल से भी क्या कहते हैं? नहीं, मटेरियल नाकस नहीं लगता है। एक्चुअली ये है कि ये इन दिनों आप भी जानते हैं कि इन दिनों में बारिश वारिश का थोड़ा ज्यादा जोर रहा, यहाँ पर मौसम काफी खराब रहा, उस टाइम में जो इनने मिक्सिंग विक्सिंग किया थोड़ी बहुत, एक जगह मिक्सिंग में प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें ये नहीं मैं कहूंगा कि इसमें कुछ ने चोरी की है किसी ठेकेदार ने, या कोई सीमेंट की इसमें चोरी की है किसी चीज, मिक्सिंग में प्रॉब्लम है। वो मैं आज सुबह ही साइट विजिट करके आया, उसकी रेमेडी कर दी मैंने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतना सबस्टैंडर्ड काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये बेबुनियाद है, ये जस्ट एक आदमी को टारगेट करने के लिए बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हमें किसी के ऊपर नाराजगी जाहिर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें इसके लिए कोई वो